हमने स्केल से ऊपर मार्किंग डालना है। ये बेड के लिए कक्ष है, ये ऊपर बेल्ट आएगा, फुल लेंथ लेना है, इसका फुल लेंथ है 39.5 इसका फुल लेंथ। ये बॉटम कक्ष पे ये घुटना है, इसका किस्ता राउंड है, इस पर छः में छः निकालना चाहिए, 20 होएगा, 20 में दो भाग करना चाहिए, 20 होगा, 10, 10, 10, 20 और 6 राउंड में मिलेगा, इस पर 6 टॉर्च। ये पलाई का मार्किंग है, पलाई का मार्किंग यहाँ से पौनी दो रखना चाहिए, फिटिंग पैंट है, इसको फिल्टर नहीं रहता है, यहाँ से 2 पाव रखना चाहिए, 2 पाव यहाँ पौनी दो, यहाँ 2 पाव चाहिए जिप का। अब यहाँ से जिप का गार्ड रखना चाहिए 2 पाव पे, 2 पाव पे जिप यहाँ तक आएगा, ऐसे राउंड लेना चाहिए। इसका कमर है 33 में 4 भाग करना चाहिए, 8 पाव आएगा, इधर कट छोड़ना चाहिए, ये 8 पाव होगा, इधर कट छोड़ना चाहिए। इसका सीट होगा 37 सीट होना चाहिए, 9 पाव आएगा, इधर कट छोड़ना चाहिए, इधर कट। साइज तो है इस पर 25 है इसका। यहाँ से अब हम इसमें फ्रंट में 24 ही रख देंगे, 1 इंच बैक में मिला लेंगे। अब आएगा फ्रंट आएगा 12, इसका है फ्रंट 12 में आधा 6 अंगुल है, इसका बॉटम है 15 बोले तो 4.25 15 आएगा। अब इसको यहाँ से ऐसे सेंटर रखना चाहिए, सेंटर मार्किंग डालना चाहिए। इसका घुटने का लूज है 19 5 9 हादा। इसका सब लाइन मिलाना चाहिए, शेप वाला लाइट स्केल, लाइट बेंड है इसका शेप। ये लाइट पेंसिल कट पैंट है, लाइट पेंसिल कट। अब इसको यहाँ फुल बेंड स्केल लेना चाहिए, ऐसा स्केल इसको बराबर रखना चाहिए। क्रॉस पॉकेट का मार्किंग, इधर से 2 पाव रख लीजिए, इधर से 2 पाव। अब यहाँ इंचिंग पाव होगा, इसका ओपन होना चाहिए 6। अब इसको थोड़ा फ्रंट में डाउन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा, हर इंसान को भी थोड़ा लाइट से पेट रहेगा, इसीलिए फ्रंट में डाउन करना चाहिए। गाट निशानी रखना चाहिए, गाट जरूर है, राउंड बराबर काटना चाहिए। चाचा हल्लू ठेलो, वीडियो रखो, बाज वीडियो रखो।
इसको ऐसा सेंटर फोल्ड डालना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर कटिंग है, सेंटर फोल्ड डालना है। इसको सेम गाठ रखना चाहिए। तंदर को चल रही है, बंद ले लो। ये क्रॉस पॉकेट का गाठ है। आई नंबर तो चल रहा है। हाँ, आई थिंक या पीसे का बेटर सुने डेली वाला। डेली आह पेट्रोल की पेट्रोल का पेट्रोल कहाँ तक आओ इंदर का आटो कौन देगी यार मेरे को వాడు 4 రూపాయలు అయింది గడాస్తాం పడుతుంది ఓపిరెడ్ హాస్పిటల్ కాడికి అయితే 20 అంటే మన పేమెంట్ తెలుసుకునేది ఏముంది గిట్టుబాటు లేదు అంత రేట్లు ఏమి ఏదో డబ్బులు సంపాదించేడు यहाँ लूज देख लीजिए, इसका 28 लूज है, 25। अब यहाँ आ गया है 11 पाव, 25। इधर कच चले गया है 11 पाव, इधर कच है। अब इस स्केल से बेंड मिलाना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 1 इंच इधर आना चाहिए, बैक टू 1 इंच बढ़ाना है। सीट है ना पीछे हमारे, इसीलिए बैक 1 इंच बढ़ना चाहिए। यहाँ से 1.5 इंच बढ़ना चाहिए। इस पर 3 8 पाउ 1.5 इंच बैक फिल्ट और इधर कच, ये पीछे सीट में कच। अब इसका सीट होगा 9 पाव आया है फ्रंट, टोटल राउंड 30 पर 7 37 9 पाव ये लूज के लिए। बैक पॉकेट के लिए इधर से 2.5 रख लीजिए। इसका बैक पॉकेट है 5 पाव 2.5 पॉइंट सेंटर, इधर से 3.5, इधर से 3 पाव।
అడిగారు.